एवरीवन, आई एम यामिनी टुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, चैप्टर 16 डाइजेशन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? हमने सबसे पहले देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, दूसरा हमने देखा कि डाइजेशन ऑफ द फूड कैसे होता है, और उसके बाद में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो बॉडी से बाहर कैसे जाता है, और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं, वो डिसऑर्डर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बाद हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो चूज द करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग। ए गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स फर्स्ट पेप्सिन लाइपेस एड्रेनिन, सेकेंड ट्रिप्सिन लाइपेस एड्रेनिन, थर्ड ट्रिप्सिन पेप्सिन एंड लाइपेस, या फिर फोर्थ ट्रिप्सिन पेप्सिन एंड रेनिन। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? क्या उसके अंदर ट्रिप्सिन होता है? ट्रिप्सिन तो नहीं होता है, क्योंकि ट्रिप्सिन हमारा होता है, ट्रिप्सिन इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा ट्रिप्सिन? स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग ट्रिप्सिन को देखते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में ट्रिप्सिन है हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन बनता है? ऑप्शन ए। अगर एलिमिनेशन से देखें तो भी ऑप्शन है, अगर लॉजिकली देखें तो भी ऑप्शन है कि पेप्सिन लाइपेस और रेनिन हमारा जो है मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका है सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू। जब हम सक्कस एंटेरिकस की बात करते हैं तो वो किसका नेम है? इंटेस्टिनल जूस। ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो पेप्सिन लाइपेस एड्रेनिन फर्स्ट का ये फर्स्ट करेक्ट है, और सेकंड पार्ट का ऑप्शन 2 करेक्ट है, इंटेस्टिनल जूस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग विद कॉलम ए विद कॉलम बी। ए बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, सेकंड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, थर्ड डाइजेशन ऑफ फैट, या एंड डी सलाइवरी ग्रांड। ये सारे के सारे मतलब हमें मैचिंग करनी है। तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जब हम लोग देखते हैं तो वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारे बाइल के साथ। जैसे हम इनका वर्ड भी देख के पहचान सकते हैं कि ये बाइल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ए का हो गया हमारा 2। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च कौन करता है? माउथ के अंदर। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज। तो अमाइलेज है क्या यहाँ पे? हाँ, ऑप्शन 4 अमाइलेज है, बी का हो गया ऑप्शन 4। डाइजेशन ऑफ फैट कौन करता है हमारा? लाइपेसेस करते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड एक तरीके का कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड। तो हमारा आ गया ए 2, बी 4, सी 3 एंड डी 1। यही है 2, 4, 3, 1 ऑप्शंस बिल्कुल ही करेक्ट है जो हमने मैच किए हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर ब्रीफली व्हाई आर विलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड नॉट इन द स्टमक। इंटेस्टाइन के अंदर विलाई क्यों मौजूद होती है पर स्टमक के अंदर नहीं होती? सो द मेजर पोर्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके लिए जो है उनको सर्फेस एरिया बढ़ाना पड़ता है। तो विलाई और कुछ नहीं, वो फोल्ड होते हैं स्किन के जो कि उस सर्फेस एरिया को बढ़ाते हैं। सो द मेजर पोर्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन इट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द स्टमक सिंपल शुगर वॉटर एंड अल्कोहल दे आर एब्सॉर्ब्ड। सो विलाई दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जिनकी लार्ज सरफेस एरिया की वजह से एब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। ये हमारा कुछ विलाई का स्ट्रक्चर होता है, ये फोल्ड्स होते हैं, है ना, ये फोल्ड्स होते हैं, कुछ विलाई का स्ट्रक्चर होता है। सो फूड इज फिट टू बी एब्सॉर्ब्ड ओनली आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन। So the function of villi begins after the digestive processes are complete. Proper digestion हमारा small intestine के अंदर आके होता है, stomach के अंदर partially digestion हो जाता है, पर proper digestion small intestine के अंदर होता है, और absorption का process digestion के बाद शुरू होता है। तो absorption भी small intestine में होती है, तो तभी वहां पे जो है villi का function आता है। नेक्स्ट पार्ट, हाउ डज पेप्सिनोजेन चेंज इनटू इट्स इफेक्टिव फॉर्म। तो प्रो एंजाइम जो कि पेप्सिनोजेन हमारा इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, जब वो एक्सपोज होता है टू HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है? एक्टिव एंजाइम पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो इट बिकम्स द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। पेप्सिन क्या करता है? इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। प्रोटीएज और पेप्टोन्स मतलब पार्शियल डाइजेशन करता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में इन्वॉल्व होता है।
ठीक है. सो पेप्सिन इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू द प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स. नेक्स्ट व्हाट आर द बेसिक लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के वॉल की क्या क्या बेसिक लेयर्स होती है. जब हम बेसिक लेयर्स की बात करें तो चार बेसिक लेयर्स होती है, सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. सिरोसा क्या होती है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि मीजोथीलियम से बनी होती है जिसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं. सो सिरोसा क्या होती है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर जो कि मीजोथीलियम की बनी होती है और उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. नेक्स्ट हमारी आती है मस्कुलैरिस. इसके अंदर क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होते हैं. ठीक है. थर्ड हमारी आती है सब म्यूकोसा लेयर जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसके अंदर वेसल्स, ब्लड, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब कुछ मौजूद होता है. और लास्ट लेयर हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा जो कि इररेगुलर फोल्ड्स बनाती है स्टमक के अंदर जिनको हम रुजे बोलते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है विलाई जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है. तो ये हमारी चार लेयर्स होती है. बाहर से हमारी क्या होती है, बाहर हमारी सिरोसा, देन आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, फिर सब म्यूकोसा एंड देन फाइनली इनर मोस्ट साइड में जो ल्यूमन को लाइन कर रही होती है वो हमारी क्या होती है, म्यूकोसा होती है. नेक्स्ट पार्ट, हाउ डज द बाइल, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट. जब हम बाइल की बात करें तो इट इज रिलीज इनटू द ड्यूओडेनम एंड इट कंटेन्स पिगमेंट्स बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन हमारी बाइल के अंदर होती है. ठीक है. सो द बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, पर कोई एंजाइम्स नहीं होते. जब हम बाइल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं. सो बाइल इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू द स्मॉल मीजल्स. और वो क्या करता है, लाइपेज को एक्टिवेट करता है जो कि डाइजेशन ऑफ फैट करते हैं. तो हमें बाइल का पता चल गया, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम के अंदर रिलीज होता है, उसके अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं. बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ये सारे के सारी चीजें होती है. ठीक है. सो बाइल क्या करता है, बेसिकली इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का ब्रेकडाउन कराने में मदद करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है इन टू स्मॉल मीजल्स. और क्या, लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है टू कैरी आउट द डाइजेशन ऑफ फैट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. हमने जो है पैनक्रियाटिक जूस का रोल बताना है इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. सो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस. सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजेन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसे एक्टिवेट किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंटेरोकाइनेस जो कि इंटेस्टिनल म्यूकोसा सिक्रीट करता है. ट्रिप्सिनोजेन फिर एक्टिव ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है और वो सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है इन द पैनक्रियाटिक जूस. सो द प्रोटीन्स, द प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स जो कि शाइम के थ्रू हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आए हैं, उनके ऊपर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो है पैनक्रियाटिक जूस के एक्ट करते हैं. ये हमारा प्रोटीन्स हो गए, पेप्टोन्स हो गए, प्रोटीएजेस हो गए. इसके ऊपर हमारे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एक्ट करके इनको तोड़ रहे हैं, पूरा डाइजेस्ट कर रहे हैं इनटू ओलिगोपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स. स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स के अंदर तोड़ दिया, ओलिगोपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टमक. हमने जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टमक के बारे में बताना है. सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स जो है स्टमक के अंदर बिगिन तो होता है बट सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होता है. पूरा डाइजेशन कहां पे होता है, अभी हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. पूरा डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. सो जो गैस्ट्रिक जूस जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्रिएट करते हैं वो कहां पे मौजूद होता है, इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक. सो द गैस्ट्रिक जूस इट कंटेन्स HCl, पेप्सिनोजेन, म्यूकस एंड रेनिन. क्या क्या होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस के अंदर, HCl, पेप्सिनोजेन, म्यूकस एंड रेनिन. ठीक है. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन. HCl जैसे कि आप देख सकते हैं पेप्सिनोजेन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है. सो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन. सो पेप्सिनोजेन हमारा जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब उसे HCl के मतलब HCl से एक्सपोज किया जाता है, मतलब एसिडिक पीएच हम बोल सकते हैं, एसिडिक पीएच जो है पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है. ठीक है. तो वो क्या करता है,
कन्वर्ट होता है इनटू एक्टिव एक्टिव पेप्सिन, और पेप्सिन जो है एक्ट करता है ऑन प्रोटीन्स और उसे तोड़ देता है इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, सॉरी, बेसिकली पेप्टोन्स. ठीक है. सो द म्यूकस इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, और वो कन्वर्ट करता है द फूड इनटू द चाइम और प्रोटेक्ट करता है स्टमक वॉल फ्रॉम द एसिड. बेसिकली जो हमारा म्यूकस है वो और कुछ नहीं करता, बस फूड को कन्वर्ट कर देता है इनटू चाइम. और रेनिन क्या होता है, इट इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो कि कोगुलेशन ऑफ मिल्क में मदद करता है. और ये किसके अंदर मौजूद होता है, इन्फेंट्स के अंदर मौजूद होता है, इन्फेंट्स के अंदर मौजूद होता है. तो हमारा जो प्रोरेनिन है जब उसे भी HCl से एक्सपोज करेंगे तो वो एक्टिव फॉर्म रेनिन के अंदर बन जाएगा. रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है इन्फेक्ट्स के अंदर और उसे जो है पैराकेजीन के अंदर कन्वर्ट करता है. पैराकेजीन जो है कन्वर्ट होता है इंटू कैल्शियम पैराकेजिनेट जो कि कर्ड होता है, और कैल्शियम पैराकेजिनेट जब पेप्सिन उस पर एक्ट करता है तो वो अल्टीमेटली पेप्टोन्स बनाता है. तो केजीन जो कि मिल्क प्रोटीन होता है उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू पेप्टोन बाय द एक्शन ऑफ द एंजाइम रेनिन. क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं. गिव द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बींग्स. डेंटल फॉर्मूला क्या था हमारा, 2, 1, 2, 3. क्या क्या थे? इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलास एंड मोलास. हमारे हाफ अपर जॉ में इतने होते हैं, हाफ अपर जॉ में इतने होते हैं. सो द डेंटल फॉर्मूला रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ, इन ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ. जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो डेंटल फॉर्मूला है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ. हम सिर्फ ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ या फिर लोअर जॉ की बात करेंगे तो इसलिए हम 2, 1, 2, 3 कर रहे हैं. 2, 1, 2, 3 इंटू 4 करेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टीथ आएंगे जो कि हमारे क्या होते हैं, 32. सो द डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ इन ह्यूमन इज ईच हाफ द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ हैज टू इंसाइजेस, 1 canine, 2 molars, और प्रीमोलास जो होते हैं एबसेंट होते हैं. जब हम प्रीमोलास की बात करते हैं तो वो एबसेंट होते हैं मिल्क टीथ के अंदर जो कि टेम्परेरी टीथ होते हैं. मिल्क टीथ के अंदर जो कि हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं उनके अंदर हमारे प्रीमोलास नहीं होते हैं, हमारे प्रीमोलास नहीं होते हैं. सो 2102 रहता है इसका जो फॉर्मूला रहता है, 2102/2102 रहता है. तो हमारे 20 दांत होते हैं बचपन में, जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं दे आर 20, क्योंकि 2102 हमारा जो है एक हाफ को रिप्रेजेंट करता है, या तो लोअर जॉ के या फिर अपर जॉ के. इसको हम प्लस करके इंटू 4 कर देंगे, कितना हुआ, 5 into 4 20. तो 20 टीथ आ गए हमारे. वैसे ही जब हमारे परमानेंट टीथ आते हैं तो ये फॉर्मूला रहता है, जिसको हम इंटू 4 करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा. एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ, जिसके अंदर ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ और द लोअर जॉ इट हैज 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. सो द डेंटल फॉर्मूला फॉर द परमानेंट टीथ इट इज रिप्रेजेंटेड एज 2, 1, 2, 3 by 2, 1, 2, 3 into 2 is equal to 32. ये सारे के सारे प्लस हो गए, अपर जॉ और लोअर जॉ का हमने एक एक हाफ ले लिया है. ओके. सो देन द बाइल जूस कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम येट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन. ऐसा क्यों होता है? सो बाइल जूस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन क्योंकि इट इज अ डाइजेस्टिव जूस दैट इज प्रोड्यूस बाय द लिवर. बाइल जूस हमारा किससे प्रोड्यूस होता है, बाय द लिवर. और जब इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते फिर भी ये फैट डाइजेशन के अंदर मदद करता है. किसके अंदर मदद करता है, फैट डाइजेशन के अंदर मदद करता है. तो क्या हम बोल सकते हैं कि बाइल जूस हमारा डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्पफुल होता है, इसलिए हम उसे इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? हाँ. सो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन ये दो बाइल पिगमेंट्स होती हैं जो कि हमारी बाइल जूस के अंदर मौजूद होती है, जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाती है इनटू लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन इजीली एक्ट अपॉन. ये क्या करते हैं, जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होती है वो बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ देती है और उसके ऊपर जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो इजीली एक्ट कर पाते हैं. ये सिर्फ तोड़ने का काम करती है क्योंकि एंजाइम्स इनके अंदर होते रही है. तो क्या होता है कि ये सिर्फ तोड़ती है चीजों को, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स को छोटा कर देंगी जिससे कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है ज्यादा एफिशिएंट हो जाए.
है ना, एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा एफिशिएंट हो जाए और वो बहुत अच्छे से जो है एक्ट कर पाए. सो दिस फिनोमिना इट इज रेफर्ड टू एज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. द बाइल जूस इज ऑल्सो नोन टू मेक देम द मीडियम एल्कलाइन एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेस. बाइल जूस जो है जो एसिडिक एनवायरमेंट स्टमक से आया है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसे एल्कलाइन कर देता है और लाइपेसेस जो कि फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है. तो वो क्या करते हैं, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डाल देता है जिससे कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करें वो इजिली एक्ट कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव रोल ऑफ काइमोट्रिप्सिन. Which two other digestive enzyme of the same category they are secreted by its source gland? जब हम काइमोट्रिप्सिन की बात करते हैं तो वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस. वो जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का वो सिक्रीट करती है. पैनक्रियास की जब हम लोग बात करें, ये हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है पर इसके दो फंक्शंस होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन करता है और एंडोक्राइन भी. जब हम एक्सोक्राइन पोर्शन की बात करें तो ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड जूसेस ये सिक्रीट करता है. और जब एंडोक्राइन पोर्शन की बात करें तो ये सिक्रीट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ठीक है, सो काइमोट्रिप्सिन क्या होता है, बेसिकली इट इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो कि ये पैनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट ही सिक्रीट करता है. ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स के डाइजेशन में मदद करता है और ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस को, उनको फुल्ली डाइजेस्ट करके उनको कन्वर्ट करता है इनको ओलिगोपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स. ये किस में कन्वर्ट करता है, जो पेप्टोन्स और प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस जो कि पार्शली डाइजेस्ट करे है स्टमक ने, उनको फुली डाइजेस्ट करके ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू ओलिगोपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स. सो द टू अदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो कि इस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं वो होते हैं हमारे ट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड ट्रिप्सिनोजेन. ठीक है, so the next question is how are polysaccharides and disaccharides they are digested. जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या बनते हैं हमारे, पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स बनते हैं. उनका कैसे डाइजेशन होता है, उनका कैसे डाइजेशन होता है, जब हम उनके डाइजेशन की बात करें तो वो कैसे होता है, जब हम उनके डाइजेशन की बात करें, सो दे आर डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स दैट व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो एंजाइम्स है वो ही उन्हें जो है डाइजेस्ट करते हैं. जो पॉलीसैकेराइड्स है दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ओलिगोसैकेराइड्स एंड डायसैकेराइड्स जो कि फर्दर डाइजेस्ट होते हैं इनटू मोनोसैकेराइड्स व्हिच आर दी सिंपल शुगर्स. एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड्स बताएं तो ग्लूकोज होगा, क्या होगा, ग्लूकोज होगा. सो डाइजेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स में सबसे पहला सलाइवा का एक्शन होता है. सलाइवा क्या करता है, स्टार्च पे एक्ट करता है. सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है वो उसे तोड़ता है इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रिन. ठीक है, फिर उसके बाद में पैनक्रियाटिक जूस का इफेक्ट होता है, वो स्टार्च को तोड़ता है इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रिन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज. बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है स्टार्च को तोड़ा जाता है इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रिन. देन डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स क्या होता है, सबसे पहले इंटेस्टिनल जूस जो है वो एक्ट करता है, चाहे माल्टोज पे, आइसोमाल्टोज पे, सुक्रोज पे, लैक्टोज पे और डेक्सट्रिन्स पे. वो क्या करता है, माल्टोज के ऊपर माल्टेज एक्ट करेगा और उसे तोड़ देगा इनटू ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल. आइसोमाल्टोज के ऊपर आइसोमाल्टेज एक्ट करेगा और तोड़ देगा इनटू टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज एक्ट करेगा और वो तोड़ देगा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज एक्ट करेगा और उसे तोड़ देगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. और डेक्सट्रिन के ऊपर अल्फा डेक्सट्रिनेज जो है वो एक्ट करके उसे तोड़ देगा इनटू ग्लूकोज. तो ये जो है बेसिक डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स का डाइजेशन है जो कि एक चार्ट के थ्रू, अगर आप ये चार्ट जो है याद कर लो तो आपको बहुत इजीली याद रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ HCl इट वाज नॉट सिक्रीटेड इन द स्टमक. अगर HCl जो है सिक्रीट नहीं होगा ग्लैंड से तो क्या होगा स्टमक के अंदर. सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में से सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि कहां पे मौजूद होते हैं, हमारे स्टमक वॉल्स के अंदर. वो क्या करता है, इट डिसॉल्व्स द बिट्स ऑफ द फूड और वो एक
एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है. HCl जो सिक्रीट होता है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है. सो द एसिडिक मीडियम क्या करता है, पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजेन हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेप्सिन जो कि क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है. पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव है वो एक्टिव पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द एसिडिक मीडियम. पेप्सिन जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करता है. अगर HCl नहीं मौजूद होगा तो पेप्सिन जो है वो सिक्रीट नहीं होगा और प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि पेप्सिन ही प्रोटीन्स पे एक्ट करके उसे पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस के अंदर पार्शियली तोड़ता है. सो पीएच ऑफ 1.8, यू कैन इमेजिन कितना कम पीएच होगा, एसिडिक पीएच इतना ज्यादा है, मतलब पीएच कम है और एसिडिटी ज्यादा है. सो इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोटीन्स टू बी डाइजेस्टेड एंड दिस पीएच इट इज अचीव्ड ओनली बाय द HCl. ये एसिडिक पीएच इट इज नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव पेप्सिन जो कि आगे प्रोटीन डाइजेशन में एड करता है. तो इसलिए HCl अगर नहीं मौजूद होगा तो स्टमक के अंदर देयर विल बी नो प्रोटीन डाइजेशन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ डज बटर इन योर फूड गेट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी. जब हम बटर की बात करें तो बटर क्या होता है, हमारा फैट होता है, बटर हमारा फैट होता है. तो हाउ डज दिस फैट इट गेट्स डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी. जब हम डाइजेशन ऑफ बटर की बात करते हैं तो बटर इज अ फैट प्रोडक्ट, इट गेट्स डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस, क्योंकि यही जो है लाइपेज को एक्टिवेट करता है ना, लाइपेज के एक्शन को एक्टिवेट करता है जो कि फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस, by the action of bile juice. So the bile juice, it is secreted by the liver and it contains bile salts such as the bilirubin and biliverdin, जो कि क्या करते हैं, it breaks down large flat globules. जो bilirubin और biliverdin है वो क्या करते हैं, बड़े बड़े flat globules को तोड़ते हैं into small globules और pancreatic enzymes उस पर जाके act करते हैं और उनको digestion करवाते हैं. और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, emulsification of fat. और बाइल जूस जो है जैसे कि मैंने बताया वो लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है, बाइल जूस हमारा एक्टिवेट करता है लाइपेजेस को और वो ही जो है इसे ब्रेक डाउन करते हैं. तो बाइल जूस बेसिकली लार्ज फ्लैट फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर वंस और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. सो बाइल जूस क्या करता है, इट एक्टिवेट्स द लाइपेजेस. Then the pancreatic lipase which is present in the pancreatic juice and the intestinal lipase which is present in the intestinal juice, it hydrolyzes the fat molecules. Intestinal juice के अंदर जो lipase है और pancreatic juice के अंदर जो lipase है वो क्या करता है, hydrolyze करता है fat molecules को into the triglycerides, diglycerides, monoglycerides and finally into the simplest form, glycerol, जो कि ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम से हर सेल ऑफ द बॉडी पे चला जाता है और हर सेल जो है उसे एफिशिएंटली यूज कर लेता है. तो हमें पता चल गया कि इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेस और इंटेस्टिनल लाइपेस जो कि मौजूद होते हैं वो फैट मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज करते हैं ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड और फाइनली जो है ग्लिसरॉल में कर देते हैं और ग्लिसरॉल ब्लड में जाके हर एक सेल के पास पहुंच जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेन स्टेप्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एज द फूड पासेस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. हमने जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स देखने हैं. सो द प्रोटीन्स ऑफ द इनजेस्टेड फूड दे आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स बाय द प्रोटीएजेस. जो इनजेस्टेड फूड के प्रोटीन्स होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द अमाइनो एसिड्स बाय द एक्शन ऑफ प्रोटीएजेस जो कि पेप्टाइडेज होते हैं. सो प्रोटीएजेस जो है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर सिक्रीट को होते हैं कॉल द प्रो एंजाइम्स जो कि एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं जब उनका साइट ऑफ एक्शन आता है. सो प्रोटीन डाइजेशन हमारा कब शुरू होता है, स्टमक के अंदर और कंप्लीट कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. सलाइवा के अंदर कोई प्रोटीएज नहीं होता तो हमारे माउथ के अंदर सिर्फ सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है वो तोड़े जाते हैं. सो द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्टमक, चीफ सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन. जो चीफ सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के वो क्या सिक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन जो कि ये फॉलो करता है. पेप्सिनोजेन HCl की फॉर्म में एक्टिव पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है,
प्रोटीन्स जो है दे आर एक्टेड अपॉन बाय द पेप्सिन और वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस, है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं और जो HCl और रेनिन होते हैं वो भी जाके आगे केजीन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू पेप्टोन्स। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब हम इसे देखते हैं तो क्या होता है, जो ट्रिप्सिनोजेन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो एंटेरोकाइनस सिक्रीट होता है, जो एंटेरोकाइनस इंटेस्टिनल म्यूकोसा सिक्रीट करती है वो ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि ट्रिप्सिन जो है फिर पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस पे एक्ट करके उसे लार्ज पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ता है और उसके बाद में वो पेप्टाइड्स का जो है आप प्रोटीन्स का डाइजेशन हो जाता है, जो हम पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर भी देख चुके हैं। सो द लार्ज पेप्टाइड्स दे आर एक्टेड अपॉन बाय द अमाइनो पेप्टाइडेस, जो कि क्या करता है लार्ज पेप्टाइड्स को तोड़ता है इनटू डाइपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड, और डाइपेप्टाइड्स जो है दे आर एक्टेड अपॉन बाय द डाइपेप्टाइडेस जो कि तोड़ता है डाइपेप्टाइड्स को इनटू अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड्स दे आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन, जो कि एब्जॉर्ब भी कहा होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म थीकोडोंट एंड डाइफाइडोंट, डाइफोडोंट। तो जब हम थीकोडोंट का करते हैं तो इट इज अ डेंटेशन जहां पे जो हमारे टीथ है दे आर एम्बेडेड इन द डीप सॉकेट्स ऑफ द जॉ बोन एंड दिस डेंटेशन इट इज कॉमन इन द मैमल्स। नेक्स्ट डाइफोडोंट, ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज काइंड ऑफ डेंटेशन होते हैं जिनके अंदर दो सक्सेसिव सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, जैसे कि हमारे अंदर जो फर्स्ट सेट आता है इट इज डेसिडुअस या फिर जिसे हम टेम्परेरी या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं, जो कि हमें पता होता है कि टूटेंगे, है ना, टेम्परेरी या फिर मिल्क टीथ हम इन्हें बोलेंगे, है ना। तो ये क्या होता है डाइफोडोंट का मतलब, डाई का मतलब क्या होता है टू, मतलब टू सेट्स ऑफ टीथ जब आते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं डाइफोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डाइफोडोंट, पहला जो होता है टेम्परेरी सेट होता है, दूसरा जो होता है परमानेंट सेट होता है। सो जो पहला सेट होता है टेम्परेरी सेट इट इज रिप्लेस बाय द परमानेंट सेट एंड दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इट कैन बी सीन इन द ह्यूमंस, इट कैन बी सीन इन द ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर नंबर इन एन अडल्ट ह्यूमन। जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ देखते हैं सो इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलाज और मोलाज, ये हमारे होते हैं, तो इनका नंबर क्या क्या होता है, जब हम 2, 1, 2, 3 देखते हैं एक साइड ऑफ द जॉ में तो पूरे अपर जॉ में कितने होंगे, हम इन्हें को प्लस कर लेते हैं 4, 2, 4, 6, 4, 2, 4, 6 इंसाइजस, केनाइज, प्रीमोलाज एंड मोलाज, और वही जो है अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में सेम मौजूद होंगे और टोटल कितने बनाएंगे 32 टीथ बनाएंगे, टोटल कितने बनाएंगे हमारे 32 टीथ। ओके, सो इंसाइजस वो किस लिए यूज होते हैं, कटिंग के लिए, केनाइन स्टीयरिंग के लिए, प्रीमोलाज ग्राइंडिंग के लिए और मोलाज हमारे च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए, ये जो होते हैं ये इनके बेसिक फंक्शंस होते हैं। सो टू इलैबोरेट ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इट हैज 2 इंसाइजर्स, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलाज, 3 मोलाज, सो एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज आइडियली 32 परमानेंट टीथ। कितने मिल्क टीथ होते हैं 20 मिल्क टीथ होते हैं और 32 हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिवर। जब हम लिवर की बात करते हैं, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी जिसके अंदर हेपेटिक सेल्स मौजूद होते हैं और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ साथ क्या है, इट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सो नंबर ऑफ फंक्शन क्या है, सबसे पहले सिक्रीशन ऑफ द बाइल, सिक्रीशन ऑफ द बाइल करता है, नेक्स्ट ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये सारे करता है, देन स्टोरेज ऑफ द फैट, ग्लाइकोजन, विटामिंस ए डी ई के एंड B12, ब्लड, वाटर, ये सारा करता है, देन डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, देन सिंथेसिस ऑफ यूरिया, एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस, फॉर्मेशन एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द ब्लड कॉर्पसल्स इन एम्ब्रियोज, लिवर इज हिमाटोपोएटिक, मतलब इट प्रोड्यूसेस आरबीसीज, बच्चों के अंदर जो है ये आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है और एडल्ट के अंदर क्या होता है कफ़ा सेल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, देन इट सिक्रीट्स द ब्लड प्रोटीन्स जो कि होते हैं हमारे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, नेक्स्ट सिक्रीशन ऑफ एंटीकोगुलेंट हेपारिन, सेकेंड लास्ट हमारा होगा प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लास्ट सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। तो बच्चों ये थे हमारे
एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.